लास्ट सेक्शन में मैंने आपको एक्सरसाइज ए से लेके ए टू एफ तक एक्सप्लेन करवा दिया था आई होप आपने वीडियो देख लिया है और आपको वीडियो देख के मतलब वर्ब्स क्या है वो आपको समझ में आ गया है एक्सरसाइज ए से लेकर एफ तक आपने आपके बुक में लिख लिया होगा और नोटबुक में भी आपने आपका लेसन लिख लिया होगा सो इस चैप्टर के जो आगे का एक्सरसाइज है वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करवाऊँगे सो so, देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका जी तो जी शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं जी में आपको क्या करना है और जी में क्या है जी में है इज एम एन आर इज एम एन आर आर ऑल्सो भार्ब्स एम इज आर क्या है भार्ब्स है ये तीनों दे टेलास अबाउट द प्रेजेंट एंड वट अ पर्सन और थिंगस यानी ये तीनों कब यूज़ होता है प्रेजेंटेंस में जब पार्सन का, का काम चालू है कोई भी काम आपका अभी चालू है वर्तमान काल प्रेजेंटेंस यानी वर्तमान काल हम अभी जो काम कर रहे हैं यानी अभी हम क्या कर रहे हैं आपको पढ़ा रही हूँ है ना टिच कर रही हूँ इसीलिए वो प्रेजेंटेंस है तो इसलिए इज एम एन आर है प्रेजेंटेंस में यूज होता है ये तीनों भाव जो है वह प्रेजेंटेंस में यूज होता है इज का भी यूज होता है इज इज यूज विथ सिंगुलर नाउंस इज जो है वो सिंगुलर नाउंस में यूज होता है आर इज यूज विथ प्लुरल नाउंस आर जो है वो प्लुरल नाउंस में यूज होता है यानी एक से ज्यादा जैसे फॉर एग्जाम्पल अनिता इज द डांसर अनिता जो है वो डांसर है एक डांसर है तो अनीता जो है वो एक है सिंगुलर नाउंस है इसीलिए क्या आया इज इज का यूज़ हुआ अनीता एंड फारहा आर स्टूडेंट्स ऑफ दिस डांस स्कूल अनीता और फारहा जो है वो यहाँ पे दो हो गया यानी सिंगुलर से प्लुरल नाउंस हो गया इसलिए किस का यूज़ हुआ कौन सा भाव का यूज़ हुआ आर आर हुआ इसलिए अनिता एंड फारा आर स्टूडेंट्स ऑफ दिस डांस स्कूल इस डांस स्कूल का दोनों अनिता और फारा जो है वो इस डांस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं ठीक है ठीके? और एक बात एम जो है वो ऑलवेज आई में यूज होता है और आर यू में यूज होता है ओके और सिंगुलर नाउंस में का यूज होता है और प्लुरल नाउस में आर का यूज होता है ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि एम इजार व्यूज होता है अब हम आपको एक्सरसाइज में लेके जाते हैं देखिए एक्सरसाइज़ जी एक्सरसाइज जी में आपको क्या करना है सर्कल करना है द भार्वस सर्कल द भार्वज इन दिस पोएम यहाँ पे एक पोएम दिया है छोटा सा जो आपको सर्कल करना है यानी किस में भार्वज में इस पोएम में जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में जो भार्वज है उसमें आपको सर्कल करना है मैंने आपको सभी एक्सरसाइज का आंसर करके दिया है आपको तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो को केयरफुली लिशन सुनना है ध्यान से फिर आपको जब समझ में आ जाएगा अगर एक बार में आपको समझ में ना आ रहे हो मतलब वीडियो को देख के एक बार देख के आपको नहीं समझ में आया तो आपको वीडियो को दोबारा देखना है ठीक है तो आपको समझ में आ जाएगा फिर आपको जब समझ में आ जाएगा फिर आपको आपके बुक में लिखना है टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट बुक में हो जाने के बाद आपको किसमें लिखना है नोटबुक में लिखना है ओके स्टूडेंट्स okay, तो देखते हैं पोयम में क्या है और सेंटेंस को आपको खुद लर्न करना है जब तक आप खुद लर्न नहीं करोगे रीड नहीं करोगे तब आपको समझ में नहीं आएगा आप खुद लर्न करोगे तब आपको ऑटोमेटिक इसके मीनिंग समझ में यानी सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ जाएगा सो लेट्स सी डियर

इसीलिए देखो ईज इस, इसमें सर्कल करके दिया यानी ईज जो है वो भाव से एक है इसलिए ईज इस। आ नट रीच यानी मैं इसको चाह कर भी यानी कितना भी कोशिश कर रही हूँ करूँ करू, तो भी मैं इसको छू नहीं पाऊंगी यानी उसको हम पहुँच नहीं पाएंगे है ना उस पर ऑल डे लॉन्ग इज साइंस ऑफ ब्राइट ऑल डे एकदम साइंस करता जाता है हाँ ना करती है ब्राइट करती है इस ब्राइटनेस वो देती है सूरज जो है सांझ जो है वो ब्राइटनेस देती है अपना साइनिंग हमें देती है बट इन इस नाइट पर ये रात को नाइट में ये अपने आप को छुपा लेती है इन द्यू स्काई देयर इज ओनली वन ये बड़ा सा जो ह्यू स्काई है आसमान है इसमें एक ओनली वन है एक ही है यस yes, ये कौन है इट इज द लवली योलो शान ये एक लवली सुंदर सा योलो शान है सूरज है तो यहाँ पे एक ही है इसलिए इज इस, ठीक है तो यहाँ पे कौन सा कौन सा भार्वज आया पहले सेंटेंस में इज दूसरे सेंटेंस में रुच ट्राइब फिर साइंस नेक्स्ट हाइट ईस और इज ठीक है इसमें आपको सर्कल करना है क्योंकि ये भार्वज है सो so नेक्स्ट क्या है एक्सरसाइज एच एक्सरसाइज एच में क्या है एक्सरसाइज एच में एच के राइट साइड right में क्या है सुसान ब्लैंक्स माय बेस्ट फ्रेंड वे ब्लैंक्स नेवर्स सुसान जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है इस ए की है इसीलिए इज और वेम हम हम दोनों नेवर्स है इसलिए आर वी आर नेवर्स तो नंबर वन में क्या है द बनानास ब्लैंक्स ओवर राइट बनानास है बनानास देखो सिंगुलर से प्लुरल हो गया यानी ज़्यादा है एक से ज्यादा है इसलिए प्लूर नाउस इस बनानास जो है वो ज्यादा पक गया है ओवर राइट इसलिए आर द बनानस आर ओवर राइट टू मिससेज एंड मिस्टर दुरानी ब्लैंक्स आर गेस्ट गेस्ट मिसेज दुरानी ब्लैंक्स आर पायलॉट

यू में ऑलवेज आर का यूज होता है यू ब्लैंक्स काइंड पर्सन। पर्सन। यू आर अ काइंड बहुत अच्छे पर्सन हो फोर टी कप ब्लैंक्स क्रैक। टी कप जो है वो टूट गया है यहाँ पे कप जो है वो एक ही है सिंगुलर नाउन से इसलिए इज इस का यूज हुआ दिस टी कप इज क्रैक फाइव आई ब्लैंगेस्ट इन फैमिली मैं मेरे फैमिली से मतलब फैमिली का सबसे छोटे हूँ फैमिली में सबसे छोटा हूँ इसलिए एम रघु एंड आदि आर माय काजन्स रघु एंड आदि दो है इसलिए आर का यूज हुआ दोनों मेरा काजिन्स है सिक्स माय विलेज इज स्मॉल इट इज नियर द रिवर कृष्णा माय विलेज यानी एक ही विलेज का यूज हुआ इसलिए इज मेरा विलेज जो है गांव जो है वो बहुत ही छोटा है स्मॉल है और ये रिवर कृष्णा नदी के पास में है इट इज नियर द रिवर कृष्णा ओके तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज जी और एच कंप्लीट हुआ यानी प्रेजेंटेंस हमारा कंप्लीट एम इज आर प्रेजेंटेंस में कौन सा भाव का यूज होता है एम इज आर ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज है आए। तो शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है वर ऑल्सो बर्ब्स ये दोनों भी बर्ब्स दे टे लाज अबाउट द पास्ट यानी पास्ट में यूज होता है वाज इज यूज विथ सिंगुलर नाउन्स और वायर इज़ यूज विथ प्लूरल नाउन्स वजह सिंगुलर नाउन्स में यूज होता है और वायर जो है वो प्लुरल नाउन्स में यूज होता है यानि जो काम हो चुका है पास टेंस फॉर एग्जाम्पल डो डो वज अ बार्ड दैट कूड नॉट फ्लाई डोडो जो है एक ही बार्ड का यूज़ हुआ डोडो इसलिए वज वो एक बार्ड है वो उड़ नहीं सकती है माई ग्रैंड पेरेंट्स वो आर टीचर्स मेरा ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो टीचर्स है तो वैर ठीक है दो है इसलिए वेर सो so, देखते जाए में क्या है यहाँ पे भी आपको फील करना है फील इन द ब्लैंक्स वित व तो यहाँ पे आपको फिल करना है ब्लैंक्स में जहाँ पे वॉज लिखना है वहाँ पे वास तो और जहाँ पे दो है यानी एक से ज़्यादा है प्लुरल है वहाँ पे वेयर तो इसके पहले आपको क्या करना होगा लिखने से पहले सेंटेंस को पढ़ना होगा लर्न करना होगा सो लेसी इट ब्लैंक्स हॉट डे इट वॉज अ हॉट डे एक गर्मी का दिन था हॉट डे था पल्के एंड हर सिस्टर यानी दो हो गया वेयर नियर अ पॉन्ड तालाब के पास में बैठे हैं बैठी थी इट ब्लैंक स्कूल अंडर द ट्री इट वॉज कूल अंडर द ट्री ठीक है नीचे बहुत ही ठंडा ठंडा मतलब कूल था इसलिए वो दोनों बैठी थी दे वर रीडिंग अ बुक वो दोनों बुक पढ़ रही थी द पिक्चर्स इन द बुक ब्लैक स्मॉल पिक्चर जो था मतलब बुक में बहुत ही पिक्चर था छोटा छोटा पलकी थॉट दैट द बुक ब्लैंक्स बोरिंग वाज बोरिंग पलकी ने सोचा ये बुक जो है वो बहुत ही बोरिंग है सी लुक्ड अराउंड वो इधर उधर देखा जू बाजू रैबिट ब्लैंक्स बिहाइंड हार उसके पीछे कौन था एक रैबिट था इट ब्लैंक्स वाइट एंड प्लम इट वाज वाइट एंड प्लम जो रैबिट था वो बहुत ही वाइट एंड प्लम था ठीक है तो यहाँ पे एक्सरसाइज आई आए। यानी वाज और वेयर कंप्लीट नेक्स्ट जे में क्या करना है आपको सर्कल करना है सर्कल वाज और वेयर विद इन ब्रैकेट्स यहाँ पे दो ब्रैकेट्स दे दिया है यहाँ पे जो से ऑप्शन है एक्सरसाइज जे में क्या है सर्कल वाज और वेयर विद इन ब्रैकेट्स आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है जो करेक्ट ऑप्शन है ब्रैकेट्स में जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें आपको सर्कल करना है यानी वाज होगा तो वाज पर और वायर होगा तो वायर पर आपको सर्कल करना है तो सर्कल करने से पहले आपको क्या करना होगा सेंटेंस को पढ़ना होगा सो so, देखते नंबर वन में क्या है द जयपुर शताब्दी एक्सप्रेस वाज या वायर लेट यस्टरडे द जयपुर शताब्दी एक्सप्रेस मतलब यस्टरडे गए कल लेट था तो एक ही है एक्सप्रेस तो इसलिए वाज़ वाज़ लेट यस्टरडे नंबर टू आई ब्लैंक्स मतलब आई वाज़ या वेयर इन द लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरी में थी तो यहाँ पे आई में ऑलवेज वाज़ और यू में ऑलवेज वेयर का होता है आई वाज़ इन द लाइब्रेरी यू वेयर नॉट देयर तुम उधर नहीं थे ठीक है तो यू में क्या होता है वायर का यूज होता है यू मतलब पास टेंस में यू में वायर का यूज होता है और प्रेजेंट टेंस में यू में आर का यूज होता है ठीक है और प्रेजेंट टेंस में आई में एम का यूज होता है और टेंस में वाज का यूज होता है ओके नंबर थ्री हर्सेस अंकल वाज या आर द कैप्टन ऑफ अ शिप हर्सेस अंकल वाज द कैप्टन ऑफ अ शिप मतलब हर्श, हर्श का हर्ष का अंकल शिप के कैप्टन थे फोर्थ आई लॉस्ट माई बेंगल्स दे ब्लैंक्स यानी दे वाज यर वायर ग्रीन एंड योलो मैं अपना बैंगल्स जो है वो खो चुकी हूँ और वो यानी एक से ज़्यादा है बेंगल्स है इसलिए वेयर वो ग्रीन एंड योलो कलर के थे फाइव टी रेक्स वाज यर वेयर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड एंडोसरस डेंजरस सॉरी तो टेरेक्स वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सबसे बड़ा लैंड लैंडोसोरस मतलब टेरेक्स जो है लार्जेस्ट लैंड सबसे बड़ा लैंड डायनोसोरस है ओके तो वाज इज यूज विथ इट एंड आई एंड वाज जो है वो इट और आई में यूज होता है और वे आर ऑलवेज You, you may होता है, okay? तो पे आपका एक्सरसाइज जे कंप्लीट हुआ, okay? I J हुआ और 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 हुआ, हो गया है, में भी, भी मैंने आपको बता दिया है यानी ये ये जो भास का, जो का है, एक से लेकर मतलब तक आपका हुआ, okay? तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे है अच्छे से क्या करना है केयरफुली फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है फिर आपको आपकी बुक में लिखना है और नोटबुक में लिखना है ओके okay? अब इसका आगे का जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी, ओके okay? आज के लिए इतना ही है आज का लेसन आपका इतना ही है अब बाकी का आगे का जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी ओके थैंक यू